बड़कोट से खबर, जहां NH 123 पर चामी के पास यमुना नदी में कार गिरी है और कार में दो व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि एक शख्स अभी भी लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में अभी भी जुटी हुई है और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए बुलाई गई गोताखोरों की टीम। हादसे का शिकार दोनों व्यक्ति देहरादून के सेलाकुई के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि दूसरे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बड़कोट में ये बड़ा हादसा हुआ है और कार में दो व्यक्ति सवार थे सेलाकुई की, ये बताए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति का रेस्क्यू हो चुका है जबकि दूसरे व्यक्ति के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। नितिन चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या खबर इस वक्त है, क्या अपडेट है दूसरे व्यक्ति के बारे में, और जो पहला व्यक्ति रेस्क्यू किया गया है उसकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये MG Hector एक वाहन है जिसमें दो लोग सवार थे। पहले ये बात आई थी कि तीन लोग इसमें सवार रहे होंगे संभवतः, क्योंकि जो घायल व्यक्ति हैं इसमें खुद वो चालक है। पहले ये बात उसमें तीन लोगों की बताई थी, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरे के व्यक्ति के जब घर में फोन किया गया तो पता चला कि वो अपने घर में है। तो इसके बाद जो है ये पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि दो लोग इसमें सवार थे। ये जो वाहन है पुरोला से सेलाकुई की तरफ जा रहा था, और जो ये हादसे का जो घटनास्थल जो है चामी और बन्नीगाड़ के बीच में, इससे पहले भी इस जगह पे कई हादसे हो चुके हैं। और आज सुबह जब ये लोग अपने घर को जा रहे थे वहां पर भी ये हादसे का शिकार हो गए हैं। एक व्यक्ति जो चालक है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है, डांटा अस्पताल में उसको भर्ती कर उसका उपचार दिया जा रहा है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है संदीप कुंडे जिसका नाम बताया जा रहा है, ये अभी भी लापता चल रहा है, यमुना नदी में रहने की संभावना बताई जा रही है इसमें। इसको रेस्क्यू करने के लिए जो स्थानीय जो पुलिस है या फिर SDRF है वो तो अपना खोजबीन कार्य कर ही रही है। इसके साथ ही जो गोताखोर है उनकी टीम डाक पत्र से घटनास्थल को बुलाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।